पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो पहना देंगे। बिहार से पीएम मोदी का कांग्रेस परिवार। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं की कैसी कैसे बयान आ रही है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, बिजली नहीं है, हमें नहीं पता था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पीएम बोले, ये लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंडिया गठबंधन वालों ने भारत के खिलाफ ही किसी से सुपारी ले ली है। ऐसे लोग क्या राष्ट्रीय रक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं? ऐसे दल जिनके अंदर कोई ठिकाना नहीं, वो भारत को मजबूत बना सकते हैं क्या? वो तो मजबूर बनाकर छोड़ेंगे। पूर्वी भारत के राज्यों को लेकर पीएम बोले, मोदी पूर्वी भारत के राज्यों को बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा विकसित भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानता है, इसलिए मैं विकसित बिहार, विकसित भारत के मंत्र पर काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम बोले, अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, ऐसे लोगों के हाथों में देश दे सकते हैं क्या? कोई मुंबई हमले पर क्लीन चिट दे रहा है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहा है, या लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कड़े फैसले ले सकते हैं क्या?